फ्रेंड, मैं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट फ्लोर मिल्स, या फिर हम कह सकते हैं आटा चक्की का बिजनेस। आज हम बताएंगे कि आप आटा चक्की लगा के कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगा मैं इसके बारे में पूरा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा बिजनेस है जो छोटे छोटे शहरों, गाँवों और बड़े बड़े शहरों में भी खूब चलता है। इस बिजनेस में ज्यादा मुनाफा है, प्रॉफिट ज़्यादा है और लागत कम आती है। दोस्तों, ये बिजनेस आप अपने घर, मकान, दुकान सब जगह स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देने वाले हैं, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आटा चक्की बिजनेस का फ्यूचर में डिमांड कैसा है, इसको कैसा है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, लागत और प्रॉफिट के बारे में कि इस बिजनेस में आपको कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपकी लगेगी, यानी कि आपका यहाँ पर लागत लगेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि आटा चक्की बिजनेस है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आटा चक्की का बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। ये आपका मोहल्ले, गांव, शहर, सिटी सभी जगह पे खूब ज्यादा चलता है और इसकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है। यहाँ पर आप खाने पीने का सामान में यूज होने वाला आटा बना रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, ठीक है, पीस कर आप उसको पैकेट में करके बेच भी सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा शादी विवाह हो या फिर घर में बनने वाली रोटी हो या फिर चपाती हो, कुछ भी पराठे बन रहे हो, तो होटलों में इसका यूज होता है, शादी बारात में इसका यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा जगह पर आटे का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें आटा चक्की बिजनेस के स्कोप की या डिमांड की, तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे भारत में आटे का यूज किया जाता है। फ्रेंड, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कंपटीशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप कहीं पर अपनी आटा चक्की ओपन कर रहे हैं या फिर उस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और वहां पर पहले से कोई आटा चक्की है, तो फ्रेंड इस स्थिति में आपका जो होगा वो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप आटा चक्की में अपने जो आटा बेचें और जो आटा पिसाई की जो आप चार्जेस लेते हैं, जो आप आटा पीसने का जो खर्चा होता है, ठीक है, जैसे अगर वो जो है 4 रुपए ले रहा है तो आप यहाँ पर 3 ही रुपए लें, ठीक है, और अपने आटे का प्राइस भी कम रखें, तभी इस कंपटीशन के टाइम में आप जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पिसाई का चार्जेस भी कम रखना होगा और साथ ही साथ अपने आटे का प्राइस भी कम रखना होगा कंपटीशन में आगे निकलने के लिए, क्योंकि अगर कंपटीशन में आप अपने प्राइस को कम नहीं करेंगे तो फिर लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने लोगों को, जैसे जो आपके कस्टमर होंगे, ठीक है, जो आपका आटा लेंगे, जो आपसे आटा पिसवाएंगे, उनको आपको अपने साथ जोड़ना होगा और जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्राइस कम रखना होगा। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। बात करेंगे अगर हम आटा चक्की का बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, यहाँ पर हमें कितना स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी, कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप चक्की लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी मिनिमम। ये इतना स्क्वायर फीट जो है ना आपके पास जगह होनी चाहिए, 200 से 300 स्क्वायर फीट मिनिमम होना चाहिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी बिजनेस रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। दोस्तों, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे आप बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट, तो फ्रेंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि पहले तो मैंने आपको रिक्वायर्ड एरिया बता दिया है कि कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, अब उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर हम यहाँ पर मशीन की बात करें तो फ्रेंड आपको 30 से 50 हजार रुपए या फिर 1 लाख रुपए तक की मशीन आसानी से मिल जाएगी, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइप का बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनियां हैं जो अलग अलग टाइप की मशीनें बेच रही हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 30 से 50 हजार रुपए में आसानी से आपको आटा चक्की की मशीन मिल जाएगी। और फ्रेंड कुल मिलाकर इसमें अगर हम बात करें कि अदर खर्चे भी आपके जुड़ेंगे, ठीक है, आपको जगह चाहिए होगी, दुकान का रेंट होगा, अगर आपकी अपनी दुकान है तो आपको उसका फर्नीचर और सारी चीजें बनवानी होंगी, ठीक है, जहां पर आप अपना आटा चक्की लगाएंगे, आपको जनरेटर और सारी चीजें जो उसमें छोटे छोटे से लेके बड़े जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं अगर हम सबको जोड़ दें तो फ्रेंड यहाँ पर आपको आटा चक्की बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। चीज का और ध्यान रखना होगा कि जो भी आप मशीन ले रहे हैं वो ऑटोमेटिक है या फिर मैनुअल है। तो बाजार की मांग और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए आप इस बिजनेस को छोटे से बड़े स्तर पर आसानी से कर सकते हैं। घरेलू आटा चक्की, फ्लोर मिल, रोलर आटा मिल, इस तरीके की आटा चक्की
शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए उपयोगी है। यहाँ पर बात करते हैं यूज ऑफ आटा, आटे का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका बड़े पैमाने पर केक, बिस्किट और बिस्कुट बनाने के लिए और बेकरी में इसका यूज बड़े पैमाने पे किया जाता है। प्रोडक्ट प्रोसेस, तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्रोसेस कैसे होता है। आटा चक्की का बिजनेस जब आप करते हैं तो वहां पर प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप मार्केट यानी किसानों से गेहूं को खरीदेंगे, ठीक है। आपको गेहूं अच्छी उच्च गुणवत्ता का गेहूं ही खरीदना है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का आपको गेहूं खरीदना है। खरीद कर उसमें से जो कंकड़ है, मिट्टी है, उसको अलग कर देना है, साफ कर देना है। फिर उसको पीसना है अपनी आटा चक्की के अंदर, और पीस कर आप उसको डायरेक्ट जो है मार्केट में पैकेट में पैक करके बेच भी सकते हैं। कि दोस्तों दो टाइप की होती है, पहली होती है बेसिक मिल, दूसरी होती है फ्लोर मिल। बेसिक मिल वो होती है जिसमें आपको आटा चक्की आप अपने घर पे या दुकान पर लगा सकते हैं। इसमें आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी जगह की, और साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। ये कम लागत में स्टार्ट होती है, इसमें कम जगह की जरूरत पड़ती है, और ग्राहक अपना गेहूं खुद लेके आता है, पिसवाता है, आपको इसमें यहाँ पर पिसाई मिलती है। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लोर मिल बिजनेस के बारे में। दोस्तों इसमें आप खुद का बिजनेस, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप किसान से गेहूं खरीद कर उसको साफ करके, कंकड़ मिट्टी उसकी साफ करके, उसको पीस कर उसको पैकेजिंग यानी पैकेट में पैक करके, पैकेजिंग करके और अपना ब्रांड नेम दे के आप इसको मार्केट में भी बेच सकते हैं। फ्लोर मिल बिजनेस में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा जमीन और लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है, और इसमें मुनाफा भी अधिक होता है। तो अगर हम फ्लोर मिल्स की जमीन की बात करें कि यहाँ पर कितना एरिया रिक्वायर होगा, कितने एरिया की आपको जरूरत पड़ेगी, तो फ्रेंड यहाँ पर 2000 से 3000 स्क्वायर फीट कम से कम एरिया की जरूरत पड़ेगी आपको फ्लोर मिल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्लोर मिल बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जमीन पर 10 से 15 लाख रुपए का और मशीन के ऊपर 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो फ्लोर मिल बिजनेस में अगर आप लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा आएगा। साथ ही साथ अगर जो यहाँ पर स्टाफ काम करेगा उसको आप सैलरी के रूप में कुछ पैसा देंगे, ठीक है, आप सैलरी देंगे तो उसमें आपका 30 से 60 हजार रुपए का खर्चा आएगा। आपका जो अदर खर्चा आएगा, अदर एक्सपेंसेस जो होंगे इन खर्चों के अलावा, वो आपके कम से कम 50 हजार रुपए बैठेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लोर मिल बिजनेस या फिर आटा चक्की बिजनेस में आपको कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों ट्रेड लाइसेंस के लिए आप MSME से भी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। GST भी आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें आपका GST नंबर लगेगा। साथ ही साथ फ्रेंड जब आप अपना कर सबमिट करते हैं तो वहां पर आपको GST से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, इसके लिए आपको GST नंबर लेना भी जरूरी है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं लोकेशन। फ्रेंड आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आटा चक्की का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस गांवों में और शहरों में भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन गांव में जो छोटे शहर होते हैं वहां पर ये बिजनेस ज्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आटा चक्की में पिसवाने का, जो गेहूं पिसवाने का काम करने की सोच रहे हैं कि आप खुद से पीसने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि आप खुद से पीसना चाहते हैं, ठीक है, पीस आपको इस टाइप का बिजनेस करना है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, गाँव में बहुत ज्यादा अच्छे चलते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग होते हैं वो गेहूं को खरीद कर या फिर अपना गेहूं जो खेतों में उगाते हैं, ठीक है, उसको चक्की पर ले जाकर पिसवाते हैं। तो फ्रेंड और शहरों की बात करें, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर गेहूं वो खरीदते नहीं है, वो डायरेक्ट आटा पैक किया हुआ जो आटा होता है पैकेट के अंदर उसको खरीद कर अपना यूज करते हैं। तो फ्रेंड ये बिजनेस जो है छोटे शहरों और गाँवों में ज्यादा अच्छा चल सकता है। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पिसाई होती है वो 1 रुपए, 2 रुपए, कहीं कहीं पर 3 रुपए, 4 रुपए भी होती है। तो फ्रेंड अगर आपने एक दिन में 100 किलो अनाज जो है, 100 किलो गेहूं अगर आपने पीस दिया, ठीक है, 100 किलो गेहूं पीसा और 1 किलो की जो है आप जो है 2 रुपए पिसाई ले रहे हैं, तो 100 किलो के आपके 200 रुपए हो गए। अगर आप दिन भर में 5 क्विंटल यानी के 500 किलो बेच पिसाई कर देते हैं गेहूं की, ठीक है, तो आपके 1000 रुपए तक बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आपका पैसा इसमें पिसाई में मिलता है, ठीक है। तो आप अपने गांव के हिसाब से, आप अपने एरिया के हिसाब से अपनी पिसाई को निर्धारित कर सकते हैं कि वहां पर कितनी पिसाई चल रही है, ठीक है, उस हिसाब से आप पिसाई ले सकते हैं। फ्रेंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो फ्लोर मिल्स बिजनेस होता है उसमें आप आटे को
जो गेहूं होता है उसको खरीद कर पिसवाते हैं, पिसवा के पैकेट में पैक करके शहरों में भेज देते हैं, जो शहरी लोग उसको आटा पैक किया हुआ खरीदते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर मार्जिन और प्रॉफिट की। तो फ्रेंड, मार्जिन और प्रॉफिट में जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पिसवाते हैं, ठीक है, अगर आप पीसने का काम करते हैं तो आपको पिसाई मिलेगी, ठीक है, और अगर आप उसको पीस कर जो है पैकेट में पैक करके एक मार्केट में बेचते हैं तो जो आपका इसके बीच में जो मार्जिन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको वेंडिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं तराजू। कोई भी आटा जो होगा उसको तोलने के लिए आपको यहाँ पर तराजू की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की, तो आपको पावर कनेक्शन कमर्शियल लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड आपको एक ड्रम या फिर टंकी लेना होगी, जिसके अंदर आप अपने आटे या फिर गेहूं को रख सकें, स्टॉक कर सकें। उसके बाद में आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक जनरेटर, अगर आपकी लाइट नहीं आती उस टाइम पर तो आप जनरेटर का यूज करके अपने आटा चक्की को चला सकें। उसके बाद में आपको एक चीज पे और ध्यान देना, जो आप प्रोडक्ट जो गेहूं ला रहे हैं उसकी क्वालिटी उच्च गुणवत्ता का गेहूं लें और उसे पीस कर कस्टमर को पैकेट में पैक करके बेचें, जो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। और साथ में आपको टाइम वैल्यू का भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई कस्टमर ग्राहक अपना आटा पिसवाने के लिए आता है तो आपको कोशिश करना है कि आप उसको रख के आप 2-3 दिन बाद ना पीस करके उसी टाइम पीस के आप दें। ठीक है, अगर जैसे ही कोई आटा लेके आया, अगर आप उसी टाइम उसको पीस कर देते हैं तो वो सेटिस्फाई होकर ज्यादा जाता है। ठीक है, तो आप इन कुछ बातों का ध्यान रखें। फ्रेंड, आटा चक्की बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे जो नॉर्मल, वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लग रहा है और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है ये आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आप किस टाइप के टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। और फ्रेंड, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप कमेंट में अपना सिटी या फिर अपनी स्टेट का नाम जरूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि मेरे वीडियो कहाँ तक देखे जा रहे हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।